एक ही से चलेंगे क्या दोनों ही? अलग अलग चार करने कर लेना। कैसे रेड दे दो, जल्दी भाई सिंगल जला के दिखाओ ना इसे। अब वो अगर नहीं जला फिर नहीं जला फिर नहीं लूँगा मैं, नहीं जला तो फिर नहीं लूँगा मैं अगर ये सिंगल। क्या हो रहा है इसे? हाँ सही है, स्टंट करने स्टंट करने। इधर अंदर अभी ये जो लिखा है ना ये ब्रांड है खुद भी एक यहाँ के। देखो अभी ना इसमें ये लगा हुआ है, देखो एक पार्किंग, एक ये ब्लू रेड क्या क्या जल रहा है, और एक मतलब गाड़ी पूरी खोलनी पड़ेगी। मैंने वो दोनों बल्ब लगाए, रेड भी खोला हुआ है क्योंकि इसके फ्रंट वाले जो इंडिकेटर इनकी कनेक्शन करनी थी मेरे को, क्योंकि मैंने हेडलाइट ब्लैक करी थी इसकी। खतरनाक लग रहा है भाई रेड कलर में, आँख लग रही है पूरी ना बस। देख लो ये वाला पैटर्न देखो क्या प्यारा लग रहा है भाई। हेलो गाइस वेलकम बैक हो गया भाई आपसे मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक के दोनों इंडिकेटर लेने, तो कल लेने थे मुझे, कल मतलब जो आज का ब्लॉग आएगा उसमें लेने थे मुझे, लेकिन वो थे नहीं उस टाइम। अभी देखेंगे बाकी अगर कुछ और भी लेना हो तो वो भी ले लेंगे भाई। वैसे तो ले आगे कहा जी अंकल कहाँ ला रहे हो साइड, एक ही से जलेंगे क्या दोनों ही? एक ही तार से जलेंगे क्या? ये भी हाँ दोनों। अरे नहीं मतलब अलग अलग नहीं होंगे? कैसे अलग अलग नहीं होंगे आपस में? अलग अलग जहाँ करने कर लेना। कैसे होंगे वो? कोई बड़ी लीड है ना, शिप है ना ये लगी हुई बीच में, कहाँ लगाने तुम्हें? मेरे को तो इंडिकेटर में लगानी है। इंडिकेटर में? इंडिकेटर में ये? हाँ अच्छा इंडिकेटर में लगती है, शिप है ना ये, फिर हटेगी नहीं है? हटेगी नहीं है बेटा, यहाँ से तुम्हें ऐसा करनी पड़ेगी फिर चले नहीं तो फिर और वो जलबूझ तुम्हारा जलबूझ का सीन है ना इसमें फिर? हाँ इंडिकेटर में तो ऑटोमेटिक है ना फिर, इंडिकेटर में तो ऑटोमेटिक होगा ना जलबूझ का, तो फिर ये इसकी क्या जरूरत है? इसकी क्या जरूरत फिर तुम बताओ, ये राइड देनी है ना, मैं तुम्हें भी चेक कर लूँगा ना फिर मैं। हाँ सिंगल तो जलाओ इसको एक बार, सिंगल लेनी है ना मैं। हाँ वो पार्किंग बल्ब दे दो, कलर रेड दे दो दो ठीक है ठीक है, सिंगल जला के दिखाओ ना इसे। अब वो अगर नहीं जला फिर कैन चलाओ, तो तुम उसमें लगाओ जो अपना भी करेगा तो इंडिकेटर का, तुम चला के तो दिखाओ सिंगल यहाँ काट दो फिर कट दो ऑप्शन। हाँ हाँ नहीं जला फिर नहीं लूँगा मैं, नहीं जला तो फिर नहीं लूँगा मैं अगर ये सिंगल नहीं जला, अभी यहाँ नहीं जला तो नहीं लूँगा मैं ये हटा रखे। वो तो इंडिकेटर कौन से? जो LED वाले होते हैं पूरे निकल जाएगी बाहर। हाँ तो काटो ना इसे, तुम जला के दिखाओ, यहाँ से पूरी निकल जाएगी बाहर। तो वैसे नहीं आती क्या सिंगल? सिंगल नहीं आती क्या ये? क्या हो रहा है इसे? हाँ सही है, यही तो लेने है। वो तो तुम्हारी पुरानी है, थोड़ी है वो। बता दो ये कितने हो गए? ये कलच लग जाएंगे क्या अब ये बाइक में? ये वाले हैं नहीं लगते यार इसमें भाई, हम लगा देना मैंने लगा। अरे वो दूसरी है, वो 125 है ना, नहीं लगते भाई मैं लगा देना। कितने के ही? 900 का सेट है। कितने हो गए भैया? 230 हैं, 230 एक ना भैया एक बार लग जाएंगे उसमें। हां लग जाएंगे। अरे देख तो लो आप, अब देखो यहाँ आपको ही दिखाया था उस दिन भी, आप मना कर रहे थे। मैंने देखा ना। हाँ अब बताओ ये 2021-22 का ये? हाँ क्रेज। हाँ हाँ यूट्यूब पे इधर स्टंट करने, स्टंट करने। इधर अंदर
मतलब सब सामान ले लिया अभी तो फिलहाल ना, तो अभी हम जा रहे हैं घर पे लगाने के लिए। मतलब अभी मुझे पता नहीं है कैसे चलने वाले हैं वो बल्ब। अब भाई ने बेच दिया भाई 230 रुपये, तो मैं सामने ही दिया उसे, बस जल जाए। और मैंने पार्किंग बल्ब भी ले लिए इसके, लगे हुए हैं मेरी बाइक में आगे वैसे, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा भी ले लिए दो ना, क्योंकि जरूरत जरूरत पड़ी जाती है। और अभी तो सिग्नल रेड है भाई, और ये देखो भाई कैसे तोड़ गए, बढ़िया इनका भी। ये जो लिखा है ना ये ब्रांड है खुद भी एक, बताओ किचन कैसा लग रहा है अपनी बाइक का। तो गर्मी जो हो रही है ना, पगड़ी गर्मी हो रही है, तो खुला भी नहीं आ रहा बंदा, तो जब भी निकल रहा जब खुला ही नहीं है। गाड़ी में ऐसा लगता है पावर आ रही है बहुत ज्यादा। जैसे उन्होंने अंकल ने मुझे बताया कि यहाँ अंदर को सेंट करने वाले आते हैं, जो वो दुकान वाले अंकल थे, कि यहाँ आप वीडियो बनाने आ सकते हो अपनी। उनको लगा मैं फेसबुक पे वीडियो डालता हूँ, फेसबुक पे डालता था मैं, मतलब फेसबुक ऐप भी अकाउंट, मतलब मैंने अपना अकाउंट बना रखा था फेसबुक पे, वहाँ डालता था। लेकिन हाँ अपलोडिंग में थोड़ा सा ग्लिच होती है यार, एक चाबी वाले की दुकान है यार, छोड़ो चलो बाद में बनवाऊंगा कभी चाबी। एक एक्स्ट्रा मतलब 2-3 चाबी बनवानी है मुझे ना एक्स्ट्रा बाइक के लिए, कि मेरी घर में पता है खो जाती है चाबियाँ, मिलती नहीं है। मेरी बाइक की 2 थी ओरिजिनल, एक तो मेरी स्कूल में खो गई थी, मेरे क्लास में ही गायब कर दी, किसी ने बैग में से निकाल ली थी। तो एक है जो ओरिजिनल चल रही है, तो अब ये ना खो जाए तो इसके, इसलिए मैं अब दूसरी एक और बनवा लूँगा, एक नहीं 2-3 बनवा लूँगा यार, क्योंकि ना भाई चाबी आजकल खो जाती है पता नहीं कैसे मेरी। तो घर में काफ़ी बार तो मैं राइड पे नहीं गया इसी कारण कि चाबी खो गई मेरे घर में, तो वो फिर बाद में पता लग रहा है वो मेरी जेब में है पैंट की। तो ऐसे ही ना सहारनपुर चौक पे आ गए अपन लोग, घर जाके पहले बल्ब लाएंगे फिट हो जाएंगे अच्छे से तो ठीक है, वरना क्या करते हैं किसी दुकान पे जाएंगे मैकेनिक की, तो वहाँ से करवाएंगे क्योंकि करवाने तो आई हमको अभी। और काफ़ी टाइम लग गया यार मुझे, वहाँ खड़ा हुआ था मैं काफ़ी देर, मतलब देर से खड़ा हुआ था मैं। और आंटी जी वो बल्ब वो खाना खुना खा रहे थे यार, अपने को क्या है ना किसी को तंग करना नहीं है, कोई खा रहा है तो मैंने खाते रहो फिर बता देना आप, है ना। तो यही था बस, वो खाना खुना खा रहे थे अपना। तो अभी भाई इतनी तेज जूते ले लूँ क्या, खादी जोड़ी नहीं ना, लग गई गाइस अपने घर में आके। देखो अभी ना इसमें ये लगा हुआ है, देखो एक पार्किंग, एक ये ब्लू रेड क्या क्या जल रहा है, और एक वाइट है जो ओरिजिनल है बाइक का। तो दोनों चेंज करके रेड लगा दूंगा मैं, क्योंकि अब लाया तो लगा ही दो, लाने के लिए लगाए, मतलब लाने के लिए ही लगा, अरे क्या कह रहा हूँ भाई। मतलब इंडिकेटर की वायरिंग करोगे ना ऐसे, मतलब गाड़ी पूरी खोलनी पड़ेगी। मैंने वो दोनों बल्ब लगाए, देखो इधर एक ये लगा दिया एक ये, और ये रेड कलर में है, और हालत कुछ ऐसी हो जाती है, मतलब बाइक ठीक करते हो ना पसीने पसीने में एकदम चेहरे में मन जाना भाई, पसीना आ रहा पूरा माथे पे। हेड भी खोला भाई, क्योंकि इसके फ्रंट वाले जो इंडिकेटर है इनकी कनेक्शन करनी थी मेरे को, क्योंकि मैंने हेडलाइट ब्लैक करी थी इसकी, आपको पता ही होगा ये पूरी ब्लैक करी थी जब, तो इसकी वायरिंग कट हो गई थी। तो मेरे को पता था मेरे को इंडिकेटर लगाने, तो उस समय मैंने जोड़ी नहीं थी, अब जोड़ रहा हूँ इंडिकेटर, फिर उसके बाद पार्किंग बल्ब भी लगाएंगे इसके जो 2 रेड कलर के लाए हैं, तो उसके बाद पूरा दिखाएंगे आपको। अभी तो फिलहाल पूरी गाड़ी खुली हुई है भाई, और बंद करने में इसे काफ़ी टाइम जाएगा, क्योंकि अभी वायरिंग भी करनी है, मैंने करी नहीं है वो, तो करते भी दिखाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि मज़ा नहीं आता वो देखने में, टाइम लग गया मेरा, दिन से शाम हो गई। लेकिन एक चीज़ की खुशी है भाई, काम हो गया गाड़ी में जो इम्पोर्टेंट था बहुत। 2 मिनट पहले मैं इसका क्लच यार ढीला करूँ थोड़ा ना, क्लच के चक्कर में बहुत बारी बचाऊँ मैं इसके, हो जाए यार ये भी जम गया क्या। तो गाइस मेरी अपनी NS इसमें, जिसमें अभी हमने रेड कलर के पार्किंग बल्ब लगाया है, देखो अभी आपको पता नहीं कैसे दिख रही है, मैं एक बार नाइट का शॉट भी ले दूंगा इसमें ना। पार्किंग बल्ब ये इंडिकेटर दोनों लगाया लगाया एक, ठीक है, उसके पीछे के इंडिकेटर देखो, मतलब क्या प्यारे है लगाया है भाई तुम्हारे भाई ने, चेक करो दिख रहे सामने 2 रेड कलर के दिख रहे होंगे, दिख रहे होंगे आपको, LED बल्ब है ये, और ये ऐसे ही जलेंगे, मतलब लेजार्ड से जलेंगे जैसे लेजार्ड का पैटर्न जलेगा। मैं एक बार चेंज भी करके देखता हूँ, मतलब मुझे भी नहीं पता अभी, बटन लगा रखा है मैंने क्योंकि लेजार्ड का ना, ये वाला पैटर्न सही लगेगा, जल जा भाई, चल गई भाई ये तो नॉर्मल ही है यार, थोड़े वैसे आओ ना। और ये वाला देखो, ये वाला पैटर्न बढ़िया लग रहा है अगर दिख रहा हो तो आपको। हेडलाइट कितनी प्यारी लग रही है इसकी ब्लैक, और व्हील कवर देख लो बाकी NS125 यार, काफ़ी कमेंट आते हैं मुझे, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं बल्ब भाई। और एक बार नाइट शॉट भी ले दूँगा आपको मैं, देख लो
आपको बाइक दिखाने के लिए दोबारा इधर ही आया हूँ। देख रहे हो मतलब क्या लुक आ रहा है इसका, पार्किंग बल्ब का रेड कलर में। रुको मैं इंडिकेटर बंद करके दिखाता हूँ आपको। देखो भयंकर क्या खतरनाक लग रहा है भाई, रेड कलर में आंख लग रही है पूरी ना। और पीछे से आपको रेड वाले इंडिकेटर के बल्ब दिखाता हूँ जो मैंने लगवाया है। देखो ये चेक करो भाई, अब देखने में क्या चौकस लग रहे हैं ना। ये भाई चाबी ऑन ऑफ करियो, चाबी ऑन ऑफ करियो। देखो पैटर्न चेंज हो जाएगा गाइस इसका ना। एक और बारी कर, हाँ बस देख रहे हो वाला पैटर्न देखो क्या प्यारा लग रहा है भाई। चलते हुए तो नहीं मस्त लग रही है ना, क्योंकि आगे से कातिल लुक आ रहा है इसका, ये है ना जो रेड वाले इनसे। चलो बस बाकी बाइक चेक करूँ मतलब क्या ही लग रही है। अब मुझे लगता नहीं इसको और कुछ काम की ज़रूरत है, बस एक हैंडल की ज़रूरत है प्यारा सा जो डोमिनार या ड्यूक का होगा, तो वो भी मैं लगवा ही दूंगा क्योंकि मुझे लगाना है। और ये बाकी जो दो तार है भाई, ये हेडलाइट के मेरे, हेडलाइट ऑन ऑफ के, क्योंकि मेरे पे बटन नहीं है अभी ना फिलहाल, बटन लगाना है इनका। और बाकी कितनी प्यारी लग रही है ना नंबर प्लेट के साथ गाड़ी। थोड़ा सा घूम के चलेंगे घर, वैसे बहुत टाइम तो बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हो गया। तो इस ब्लॉक का करते हैं यहीं पे एंड, मतलब घूम के अब मैं घर जाऊँगा थोड़ा सा घूम घाम के। तो इस ब्लॉक का यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि गोप्रो में अपने चार्ज है नहीं। तो बाय, टेक केयर और पीस आउट और लव यू ऑल। लाइक करना भाई चैनल को, सब्सक्राइब करो यार, जिस पे भी NS125cc है उसे सेंड करो, शेयर करो वीडियो, कुछ भी करो यार, थोड़ा भाई की हेल्प करो। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चलो।